आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. ओके, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7 इन मैथ्स. उसके लिए हम फर्स्टली सबसे पहले क्रोम को ओपन करेंगे. ऑक्सफोर्ड एडवांटेज फर्स्टली टाइप लॉगिन नेम. आप अपना लॉगिन नेम यहां टाइप करेंगे. मैं अपनी लॉगिन आईडी से आपको ओपन करके ये दिखा रही हूँ. आपको अपनी जो है लॉगिन नेम एंड पासवर्ड यूज करना है. साइन इन करेंगे. यहाँ से हमारी जो बुक है वो ओपन हो जाती है. मैथ्स पे क्लिक करेंगे. एंड आफ्टर दैट माई बुक क्लिक. चैप्टर नंबर 7 इन मैथ्स मोर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ये हमारा चैप्टर है मोर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. थिंग्स टू लर्न. चैप्टर नंबर 7 ये है मोर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. थिंग्स टू लर्न. डिफरेंट वेज टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नंबर्स अप टू 99. हमारे पास डिफरेंट अलग अलग मेथड होते हैं ऐड करने के एंड सब्सट्रैक्ट करने के, लेस करने के. सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टोरी सम्स. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे स्टोरी सम्स बना करके वो हम डिस्कस करेंगे. Let's go. In a locality, there are two buildings, building A and building B. Building A has 10 houses. Building A में 10 house हैं and building B में 9 house हैं. What is the total number of houses in the two buildings? दो building हैं और उसमें टोटल नंबर हमें बताने हैं कि टोटल कितनी हाउसेज हैं. ए में 10 हैं, बी में 9 हैं, टोटल हमारे 19 हाउसेज हैं. देयर आर फैमिलीज लिविंग इन ए 7 हाउसेज. इनमें से जो 7 हाउसेज हैं उनमें कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ रह रहे हैं. हाउ मैनी हाउसेज डू नॉट हैव फैमिलीज लिविंग इन देम. हमें ये बताना है कि टोटल जो बिल्डिंग्स हैं उसमें 7 हाउसेज में लोग रह रहे हैं और कितने में फैमिली मेंबर जो हैं वो नहीं रहते हैं. तो हमें 19 में से 7 लेस करना है. तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 12. 19 में से 7 लेस करेंगे तो आंसर इज 12. एडिशन मीन्स ऐड करना, जोड़ना. एडिंग सिंगल डिजिट एंड टू डिजिट नंबर्स. ऐड द फॉलोइंग. अब यहाँ हम सिंगल डिजिट नंबर ऐड करेंगे.
कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सिक्स, ये वंस और ये टेंस। सिक्स में हमें टू ऐड करना है। सिक्स में आप इसको फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, लाइन लगा के भी कर सकते हैं। सिक्स में टू ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा एट, देन फाइव। नेक्स्ट सम, ये हम अपनी नोटबुक में ऐसे राइट कर सकते हैं। हमें रिवीजन नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस करनी है। थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइन एंड टू। यहाँ हम करेंगे थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव एंड थ्री, थर्टी फाइव। थर्टी थ्री में हम टू ऐड करेंगे, आंसर इज 35। वन में फाइव ऐड करेंगे, सिक्स एंड एट। 81 में हम फाइव ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 86। जीरो में फोर ऐड करेंगे, अगर जीरो को हम किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं तो हमारा सेम नंबर ही आंसर आता है। जीरो में फोर ऐड करेंगे, फोर एंड नाइन। 90 में फोर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 94। टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव एंड देन सेवन। टू में फाइव ऐड करेंगे, सेवन सिक्स। वन में फोर ऐड करेंगे, फाइव एंड सेवन। इट मीन्स 71 में हम फोर ऐड करेंगे इज इक्वल टू 75। टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर एंड नाइन। काउंटिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड काउंटिंग हमें करनी है। लेट्स ऐड 33 एंड 5 बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। स्टार्ट फ्रॉम 33 एंड काउंट फ्रॉम, सॉरी, फॉरवर्ड 5। 33 में हमें 5 काउंट करना है, उसके लिए हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे सबसे पहले हम राइट करेंगे 33 एंड फॉरवर्ड काउंटिंग में हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 34, 35, 36, 37 एंड 38। 5 हमने आगे फॉरवर्ड काउंटिंग की है, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमारा आंसर जो आ जाता है वो 38। 33 में हम 5 ऐड करेंगे तो आंसर इज 38। ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे, जैसे काउंट फॉरवर्ड 7 फ्रॉम 40। 40 से हमें काउंट करना है और 7 तक हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, देन हमारा जो आंसर है वो 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 47। इज दैट क्लियर बेटा? ओके। ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे 46 प्लस 3। 46 से काउंट करेंगे 47, 48 एंड 49। द आंसर इज 46 प्लस 3 इज इक्वल टू 49। नेक्स्ट सम, काउंट फॉरवर्ड 4 फ्रॉम 51। 51 से स्टार्टिंग करेंगे एंड काउंटिंग फॉरवर्ड करेंगे 4 डिजिट तक। 52, 53, 54 एंड 55। द आंसर इज 51 प्लस 4 ऐड करेंगे, 55 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है।
अब हम आ जाते हैं एडिंग टू डिजिट नंबर्स। अभी तक हमने सिंगल डिजिट में ऐड किया, अब हम टू डिजिट नंबर में एडिशन करना सीखेंगे। एड द फॉलोइंग, सेम वही मेथड हमने यूज करना है। जैसे 5 में हम 1 ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा हमारा आंसर, एंड 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर इज 3। बेटा हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने सिंगल डिजिट में किया, ऐसे ही हम डबल डिजिट में करेंगे। ये हम लाइन लगा के कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं। ये हमारा वंस होता है और ये टेंस। 4 में 3 ऐड करेंगे इज इक्वल टू 7, एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 9 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे। आपको अपनी रिवीजन नोटबुक में इनकी रिवीजन करनी है। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 0 को हम किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं तो सेम नंबर हमारा आंसर आता है, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, अब हम करेंगे काउंटिंग बैकवर्ड। स्टार्ट फ्रॉम 70 एंड काउंट बैकवर्ड टिल 55। बैकवर्ड काउंटिंग हमें करनी है। 70 से हमें स्टार्ट करना है, देन 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 एंड लास्ट 55। इस तरह से हमने ये बैकवर्ड काउंटिंग की है। अब हम इसमें काउंट बैकवर्ड एंड सबट्रैक्ट करेंगे। अभी तक हमने ऐड किया था, काउंट फॉरवर्ड में एडिंग की थी, अब काउंट बैकवर्ड में हम सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट फ्रॉम 22 एंड काउंट बैकवर्ड 2। कहाँ से हमें स्टार्ट करना है? 22 से, और हम 2 तक बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। जैसे 22 से पहले 21 एंड 20, इट मीन्स 22 में से हम 2 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट सम काउंट बैकवर्ड 5 फ्रॉम 46। 46 से हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 5 तक। जैसे 45, 44, 43, 42 एंड लास्ट 41, और ये हमारा आंसर आ गया। 5 तक हमने ये बैकवर्ड काउंटिंग की, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 46 में से हम 5 लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 41। ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे काउंट बैकवर्ड 3 फ्रॉम 64। 64 से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 3 तक, जैसे 1, 2 एंड 3 तक बैकवर्ड करेंगे। 63, 62,
एंड 61. तो ये हमारा आंसर आ जाता है 61. इज दैट क्लियर बेटा? ओके. सब्सट्रैक्टिंग ए सिंगल डिजिट नंबर फ्रॉम अ टू डिजिट नंबर. अब हम सिंगल डिजिट में सब्सट्रैक्शन करेंगे. सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग. फर्स्ट अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है. इट मीन्स ये हमारा वंस और ये टेंस. सिक्स में से हमें जीरो लेस करना है. इस बात का बेटा आप ध्यान रखना, जीरो को किसी भी डिजिट में से अगर लेस करना है तो भी सेम नंबर आएगा. इट मीन्स हमने उसमें से कुछ भी लेस नहीं किया. तो सिक्स में से हम जीरो लेस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 6 and 2. इट मीन्स 26 में जीरो लेस करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा 26. टू में से 1 लेस करेंगे 1 and 2. 8 में से 6 लेस करेंगे 2 and 4. इट मीन्स 48 में से हमने 6 लेस किया तो हमारा आंसर आया 42. नेक्स्ट सम 2 में से 1 लेस करेंगे 1 and 4. इज दैट क्लियर बेटा? ओके, लेट्स गो. सिक्स में से 2 लेस करेंगे 4 and 4. 2 में से 1 लेस करेंगे 1 and 5. 52 में से 1 लेस करेंगे 51. 9 में से 7 लेस करेंगे 2 and 7. 8 में से हम 3 लेस करेंगे 5 and 6. 6 में से 4 लेस करेंगे 2 and 8. 9 में से 9 लेस करेंगे, इट मीन्स 0. सेम नंबर में से हम सेम नंबर लेस कर रहे हैं तो हमारा 0 आंसर आएगा. अब हम सब्सट्रैक्टिंग ए टू डिजिट नंबर फ्रॉम ए टू डिजिट नंबर. अब हम डबल डिजिट नंबर को यूज करेंगे और डबल डिजिट में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. जैसे हमारे पास 8 है और 8 में से हमें 2 लेस करना है तो हमारा आंसर आएगा 6. 4 में से 1 लेस करेंगे 3. इधर सेकेंड सम में 6 में से 4 लेस करेंगे 2. 5 में से 2 लेस करेंगे 3. नेक्स्ट सम 7 में से 7 लेस कर देंगे 0 और 7 में से 3 लेस करेंगे 4. 9 में से 8 लेस करेंगे 1 और 3 में से 1 लेस करेंगे 2. ऐसे ही नेक्स्ट सम है 2 में से 1 लेस करेंगे 1 एंड 8 में से 2 लेस करेंगे 6. नेक्स्ट सम 7 में से 6 लेस करेंगे 1 एंड 6 में से 2 लेस करेंगे 4. ये हमारा आंसर आ जाएगा. इज दैट क्लियर बेटा? आपको ये सब क्लियर हो गया होगा. रफ नोटबुक में अपनी प्रैक्टिस करते रहना. नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन का यूज करेंगे और हम कैसे सम सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व 35 + 6. जैसे सबसे पहले हमने लिया 35. यहाँ से हमने 35 से स्टार्टिंग की है और हमें उसमें 6 ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम फॉरवर्ड करेंगे. 6 स्टेप लेंगे फॉरवर्ड के.
जैसे 35 से 36, फिर 37, 38, 39, 40 एंड 41। ये हमने 6 स्टेप लिए और हमारा आंसर आ जाता है 41। 35 प्लस 6 हम कहाँ पहुँच गए, वी रीच 41। 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41, ये हमारा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे। फर्स्ट फाइंड द नंबर 50 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन हम शो करेंगे और उसमें हम 50 पर पहुंचेंगे। नाउ काउंट 7 स्टेप बैकवर्ड। अब हमें बैकवर्ड जाना है, इट मीन्स हम पीछे जाएंगे। तो हम 50 से कितने स्टेप पीछे जाएंगे, 7 स्टेप। जैसे 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 स्टेप हम बैकवर्ड काउंटिंग किए और हमारा आंसर आ गया 43। इट मीन्स 50 में से अगर हम 7 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 43। ओके बेटा, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे 60 प्लस 4। अब सबसे पहले हम 60 यहाँ पर जाएंगे और 4 स्टेप आगे लेंगे, ऐड करना है, तो इट मीन्स हमें फॉरवर्ड जाना है 4 स्टेप। जैसे 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है 64। इट मीन्स 60 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। ऐसे हम नेक्स्ट सम करेंगे। 70 में 5 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स हमें बैकवर्ड चलना है। तो सबसे पहले हम 70 पे पहुंचेंगे और उससे हम 5 स्टेप बैक चलेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हमारा आंसर आ जाता है 65। 70 में से हम 5 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे। 30 में 8 ऐड करना है, सबसे पहले हम 30 पर पहुंचेंगे, उसके बाद 8 ऐड करेंगे, इट मीन्स फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे और 8 स्टेप आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टेप हम आगे बढ़े तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे। 50 में से हमें 3 लेस करना है तो हम सबसे पहले 50 पे जाएंगे और यहाँ से हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्लस का साइन है तो हमें फॉरवर्ड करना है, हमें आगे बढ़ना है, और अगर माइनस का साइन है इट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो हम 50 पे जाएंगे और 3 स्टेप लेंगे बैकवर्ड के, 1, 2 एंड 3, और हमारा आंसर आ जाता है 47। ये कुछ चैलेंज हैं। यूज ऑल द 4 नंबर्स बिलो टू कंप्लीट द स्टोरी सम। जैसे गिल के पास शर्ट्स हैं, कितनी शर्ट्स हैं, 15। ही गेव अवे शर्ट्स टू हिज कज़न, उसने अपने कज़न को कितनी दे दी, 5। ही देन बॉट मोर शर्ट्स, और उसने कितनी शर्ट्स और खरीदी हैं, 2। तो अब हमारे उसके पास जो है, गिल के पास कितनी शर्ट्स हैं, 12। गिल के पास 15 शर्ट्स थी, 5 उसने कज़न को दे दी, उसके पास कितनी बच गई, 10। तो उसने कितनी शर्ट और ली, मोर शर्ट्स, कितनी और खरीदी, 2 और उसने खरीदी, तो अब उसके पास 12 शर्ट्स हैं। इज दैट क्लियर बेटा?
ये स्टोरी सम्स हैं। स्टोरी सम्स, अर्जुन है 20 बॉल्स। अर्जुन के पास कितनी बॉल हैं? 20। हिज ब्रदर गेव हिम 16 मोर बॉल्स। उसके ब्रदर ने उसे 16 और बॉल दे दी हैं। हाउ मेनी बॉल्स डज ही हैव नाउ? अब उसके पास कितनी बॉल्स हैं? तो वो हम ऐड कर देंगे, 20 उसके पास पहले से थी, 16 और उसके ब्रदर ने दे दी, तो टोटल हमारी कितनी हो गई? ये हम ऐड करके देखेंगे। जैसे 20 प्लस 16, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, ये हमारा आंसर। अब अर्जुन के पास कितनी बॉल्स हैं? 36। ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे। समीना बोर्ड 15 फ्लावर्स फ्रॉम ए फ्लोरिस्ट। समीना ने 15 फ्लावर्स खरीदे हैं। देन शी बोर्ड 12 मोर फ्लावर्स। उसने 12 और खरीद लिए हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स डिड शी बाय इन ऑल? टोटल अब उसने कितने फ्लावर्स खरीदे हैं? 15 उसके पास थे, 12 उसने और खरीद लिए हैं। अब उसके पास टोटल कितने हो गए हैं वो हम ऐड करेंगे। 5 में हम 2 ऐड करेंगे 7, एंड 1 में 1 ऐड करेंगे 2। अब टोटल उसके पास कितने हैं? समीना ने कितने खरीदे हैं फ्लावर्स? 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सम, जूबी ब्लू 34 बैलून्स फॉर ए पार्टी। एक पार्टी में 34 बैलून्स हैं। 13 ऑफ देम ब्रस्ट आउट। हाउ मैनी बैलून्स आर लेफ्ट विद हर? और जो 13 बैलून्स हैं वो ब्रस्ट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, तो टोटल कितने बचे हैं? 34 में से हम 13 लेस कर देंगे। जैसे 4 में से 3 लेस करेंगे 1, 3 में से 1 लेस करेंगे 2। टोटल अब कितने बचे हैं यूबी के पास बैलून? 21। लेट्स प्रैक्टिस। अब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ऐड के हैं, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे हम 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हमारा आंसर आएगा, एंड 37। 34 में 3 हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 37। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 एंड 3, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4। 42 में हमने 2 ऐड किया, हमारा आंसर आया 44। नेक्स्ट सम, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 एंड 6, 69। 66 में हम 3 ऐड करेंगे, आंसर इज 69। 3 में 6 ऐड करेंगे 9, 5 में 4 ऐड करेंगे 9। ऐसे ही हम 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 5 में हम 2 ऐड करेंगे 7, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, एंड 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 7 में 1 ऐड करेंगे 8। नेक्स्ट सम, 9 में 0 ऐड करेंगे, दैट इज सेम नंबर 9, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 0 में 9 ऐड करेंगे 9, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, एंड 8 में 1 ऐड करेंगे तो भी 9, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 7 में 1 ऐड करेंगे 8। ऐसे ही हम सबट्रैक्ट करेंगे,
55 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 5 में से हम 4 लेस करेंगे 1 एंड 5, 55 में 4 लेस करेंगे इज इक्वल टू 51, 2 में 1 लेस करेंगे 1 एंड 7, 9 में 5 लेस करेंगे 4 एंड 9, 4 में से 3 लेस करेंगे 1 एंड 8, नेक्स्ट सम 7 में से 6 लेस करेंगे 1, 6 में से 4 लेस करेंगे 2, ऐसे ही 8 में से हम 0 लेस करेंगे तो 8, 4 में से 2 लेस करेंगे 2, 3 में से 2 लेस करेंगे 1 एंड 6 में से 2 लेस करेंगे 4। आप इजीली कर सकते हैं, 3 में से 0 लेस करेंगे 3 एंड 5 में से 3 लेस करेंगे 2 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? ये आप इजीली कर सकते हैं। अब कुछ स्टोरी सम्स हैं। सचिन के पास 15 ट्रॉफीज हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं, 15 होंगे। हिज फादर गेव हिम 10 मोर, उसके फादर ने 10 और दे दी है उसे। हाउ मैनी ट्रॉफीज डज ही हैव इन ऑल, अब उसके पास कितनी ट्रॉफीज हैं। पहले उसके पास कितनी ट्रॉफीज थी, 15। उसके फादर ने कितनी उसको और दी, 10। अब हम टोटल काउंट कर लेंगे, 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। अब सचिन के पास कितनी ट्रॉफीज हैं, टोटल 25। ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे। अब मोनू हैज़ 19 बुक्स, मोनू के पास 19 बुक्स हैं। ही गॉट 6 मोर फ्रॉम हिज टीचर, उसके टीचर ने 6 और दे दी हैं। हाउ मैनी बुक्स डज ही हैव इन ऑल, अब उसके पास कितनी टोटल बुक्स हैं। पहले उसके पास कितनी थी, 19, उसके टीचर ने कितनी और दी उनको, 6। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25। अब मोनू के पास कितनी बुक्स हैं, 25। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। दृष्टि हैड 30 चॉकलेट्स, दृष्टि के पास 30 चॉकलेट्स हैं। शी गेव 10 टू हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को 10 दे दी है, गेव देना। हाउ मैनी चॉकलेट्स इज द शी लेफ्ट विद, अब उसके पास कितनी बची हैं। कितनी चॉकलेट थी दृष्टि के पास, 30, उसने अपने सिस्टर को कितनी दे दी, 10, उसके पास अब कितनी बची, 20। दृष्टि के पास अब कितनी चॉकलेट्स हैं, 20। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, ए वैल्यू फॉर यू, रिजवी बॉट ए पैकेट ऑफ 10 बिस्किट्स, रिजवी ने 10 एक पैकेट खरीदा है बिस्किट का जिसमें 10 बिस्किट्स हैं। ही एट 4 बिस्किट्स फ्रॉम द पैकेट, उसने पैकेट से 4 बिस्किट खा लिए हैं। अब उसके पास कितने बिस्किट बचे हैं, 10 उसके पास थे, 4 उसने खा लिए हैं, अब उसके पास कितने बचे हैं, 6। ये बेटा आपकी ये चैप्टर जो है 7 मोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इज दैट क्लियर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ऐसा करना है, अपनी जो रिवीजन नोटबुक है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब आप ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सम अज्यूम करके आप कर सकते हैं, कोई भी डिजिट इसमें लिख सकते हैं। जैसे आपको ऐड करना है, ज़ीरो में 2 ऐड करेंगे, 2, 5 में 1 ऐड करेंगे, 6,
कोई भी डिजिट आप यहाँ राइट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। फोर में से ज़ीरो लेस करेंगे फोर, फाइव में से वन लेस करेंगे फोर, इज द राइट आंसर। आई कैन डू इट ऑन माई ऑन, आप ये अपने आप कर सकते हैं। अब सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट नंबर हैं और अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे एंड आपको हेल्प से करना है तो आप यहाँ टिक करें। ऐसे ही टू डिजिट नंबर हैं, अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो आप यहाँ ऐड करेंगे, इजी है। आपको हेल्प से करनी है तो आप यहाँ टिक करें। सब्ट्रैक्ट ए सिंगल डिजिट नंबर फ्रॉम ए टू डिजिट नंबर, अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही टू डिजिट नंबर हैं, ये आपको हेल्प से करना है तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं। स्टोरी सम्स, उसमें भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, और अगर आप अपने आप कर सकते हैं आप यहाँ टिक करें। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। और रिकॉल मी, एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एडिशन के सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के सम इजीली कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच, ओके।